बैक दोस्तों, मेरा नाम है सागर और मेरे YouTube चैनल का नाम है सागर भटकर। तो देखिए दोस्तों, मादी की कंडीशन आप देख पा रहे होंगे, दो दिन मैंने दवाई दी और बंद करके रखा, तो थोड़ी अभी वो ठीक हो चुकी है। बच्चा भी जो है, वो बच्चा जो ये आपके देख रहे होंगे, आपको ये वाला झटक रहा आंख, तो इसको भी मैंने दवाई दी, तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा एक्टिव हो चुका है ये। तो आज अभी दो तीन दिन और देंगे इसको दवा कि वो करेक्ट हो जाए, थोड़ा अपना जो उसका हजमा है वो ठीक हो जाए, चल जाए बराबर। और बाकी ऊपर देख पा रहे होंगे थोड़ी मस्ती होती हुई अपनी कबूतरों की, तो कबूतर जो आप चंगड़ कर रहे हैं कबूतर थोड़े। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा इनको बीट वीट करने देते हैं, बाद में फिर दाना वाना डालूंगा मैं। और इधर आप बजरी तोतों को मैंने दाने डाले हुए हैं, आप इधर देख पा रहे होंगे थोड़े बजरी तोते जो अपने इधर है, पर वो सफ़ेद जाली है ना दोस्तों, इससे दिखता नहीं बराबर, क्लियर नहीं दिखता। ओके, कुछ बजरी तोते अपने ये ऊपर बैठे हुए हैं, इधर मस्ती कर रहे हैं थोड़े, मड़की वड़की सब उन्होंने ले ली है, जिन्होंने जिनके लिए बोले, तो जिनके जिनके दबंगाई है, झगड़ा करने की ताकत है उनमें, उनने क्या करे फिर वो मटकी ले ली है। और अंडे वंडे भी आ चुके हैं, अंडे गिंडे आ चुके हैं, बच्चे भी निकल चुके होंगे किसी के ना किसी के, क्योंकि रात में मेरे को आवाज़ आ रही थी छोटी सी, चींची चींची बना दे दाना दे, बच्चों की आवाज़ आ रही थी दोस्तों। तो देख पा रहे होंगे मादी डब के बैठ रही थी, अब थोड़ी आ गई है, थोड़ी रात के टाइम थोड़ा बीमार हो जाते हैं, पर अभी मैं दिन भर उनको ये नहीं खोलूँगा, बोले तो खुला नहीं रखूँगा उसको, दवाई देने के बाद उनको फिर बंद कर दूँगा, ये पट्टे को भी और उसको भी दवाई देने के बाद बंद कर दूँगा, वो फुलर मादी को भी दवाई देने के बाद उसको भी बंद कर दूँगा, ऐसे करने वाला हूँ मैं। क्योंकि कबूतर जो है अपने बहुत ही अपने ज़रूर बोले तो क्या बोलते उसको बहुत अच्छे कबूतर है, वो ज़रूरी है मेरे को वो कबूतर मेरे घर पर होना। ओके दोस्तों, तो उनकी जो नस्ल है वो अच्छी निकल रही है मेरे घर पे, बच्चे अच्छे क्वालिटी के निकल रहे हैं उनके। तो ये बच्चा उनका, ये बच्चा वो सफ़ेद मादी का बच्चा है दोस्तों, इसके साथ वाला जो है नेवले ने खा लिया, तो अपना थोड़ा वांदा हो चुका है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं दाने डालता हूँ कबूतरों को अपने और कंटिन्यू करूँगा फिर। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है दाने अभी अपने कबूतरों को दे दिए हैं, अभी दो जगह, थोड़ी जगह यहाँ पे डाले, थोड़े दाने यहाँ पे डाले, तो ये सब मिल के खा रहे हैं अभी। और कुछ कबूतर जो है अभी जो थोड़े फिट है, वो गुटकते हुए थोड़े गुटक रहे, मस्ती कर रहे हैं, मादी के पीछे भाग रहे, मादी को भगा रहे, ये नर जो है मादी को भगा रहा, इसके तो बच्चे नहीं हो रहे मेरे घर से, कितने बार मादी ने अंडे दिए और कितने बार उस मादी ने ख़राब कर लिए, तो उसका नर जो है चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये जो नीला गुटक रहा है ना, इसको बंद करना, इसको चेंज करना पड़ता, उसको अच्छा एक बेहतरीन हाई फ्लायर कबूतर लगाएंगे अपन, उसके कलर में अच्छे क्वालिटी का बच्चा लगाएंगे उसको, जो अपने घर का रहेगा या किसी दोस्त के घर से लाएंगे अपन, दिक्कत लाएंगे, तो ये क्वालिटी में बीच वाला जो गुटक रहा है ना, वो क्वालिटी में मनार लगाने का है उसको मेरे को, और फिर जो उसके बच्चे निकालेंगे अपन। ओके, ये मादी भी चेंज करने की है दोस्तों, ये फुलवर जो मादी है ये खैरे की निकाल के दूसरी मादी लगाने की इसको। तो मैं सोच रहा था कि भाई इसको जो है ना पिलंके को वो मादी लगा दूँ मैं मेरे घर की, पर वो सफ़ेद आग की है ना, इसलिए मैं फिर सोच रहा हूँ कि नहीं लगाऊँ। सॉरी दोस्तों, तो ये सफ़ेद आग की मादी है और ये पीले आग का नर है, तो है तो एक ही समझ लो, माँ की तरफ से दोनों भाई लगते हैं, बाप बाप जो है उनके अलग अलग है, ऐसा सीन है। तो इनमें रिंग अच्छा है, इसमें भी रिंग अच्छा है, पिलंग का है ना, फिर मैं सोच रहा था पिलंग के बच्चे नहीं निकलेंगे अपने घर पे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जाग दो बार जो है मादी पे मीटिंग कर रहा था मादी के साथ, पर इन्होंने हकाल दिया उसको, इन्होंने जो है मीटिंग जो है इनकी ख़राब कर दी। ऐसे होते रहता दोस्तों, पिंजरे के अंदर मछली मिसाइल चलते रहते, इनके कॉम्पिटिशन रहता इनका कि मैं बच्चे निकालूंगा तू मत निकाल, हकाल देते, मीटिंग नहीं करने देते, ऐसा है वो। तो कबूतर जो है दाना खा रहे हैं अपने। तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें पूरा लास्ट तक, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं आजकल, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी अभी यहाँ से आगे, तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो आप अच्छे वाले अच्छे अच्छे वीडियो आपके जो आपको पसंद होंगे और आपने देखे होंगे मेरी वीडियो, तो आप आपके दोस्तों को दे सकते हो। और ये देख पा रहे होंगे नर जो है सिंगल होने के कारण किसी के भी खन में घुस के फिर बच्चों को मारते दोस्तों, ये जो कबूतर है सिंगल वाले बच्चों को भी मारते दोस्तों, फिर घुस के बच्चों को मारते, अपन घर पे रहते नहीं तो बच्चों को भी मार देते, छोटे छोटे बच्चे रहेंगे ना दो तीन दिन के, तो बच्चों को मारेंगे फिर, उनको हकालना पड़ता खन के बाहर।
तो दाने डाल देते हैं दोस्तों कबूतरों को अपने, थोड़े दाने यहाँ पे डालेंगे, थोड़े दाने इधर डाल देंगे। तो दो बार दो जगह पे डाल रहे हैं मैं दाने। तो देखिए दोस्तों ये अभी दाने खा रहे हैं अपने कबूतर। ये जोड़ा आ चुका है अंडे पे, मादी आ चुकी है अंडे पे देंगी, समझ लो आप। ऐसे नर ने आपके मादी को समझ ले आपके घर के कबूतरों को भगाया, तो आपने समझ लेना कि अंडे आने वाले हैं अपने घर पे, और कबूतर अंडे कबूतरी जो है अंडे देने वाली है। और वो नीला पट्टा भी आप देख पा रहे होंगे खन में जा चुका है, अंदर बैठ चुका है वो, जाके दूसरे के खन में घुस जाते हैं कबूतर। और ये जो फुलवर मादी आप देख पा रहे होंगे कि दाना नहीं खा रही है, तो इसको भी आज मैं साला बास्केट में रख दूँगा यहाँ पर दवाई देने के बाद, देखेंगे फिर क्या होता है। तो और ये ललसरी मादी ठीक हो चुकी है अपनी, इसने बच्चे भी निकाल चुके हैं। ये भी खोखे में चली गई थी दोस्तों, तो इसको भी दवाई देके मैंने ठीक किया हुआ है। इसका वीडियो बनाया था मैंने छोटा सा, पर वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि वो बराबर बना नहीं था। और मैंने वीडियो पकड़ा उसको, वीडियो बनाया उसका झपट, वो तो हिल रही थी, वो बोले तो ऐसे तड़प रही थी हाथ में पकड़ने के बाद, तो वो यूट्यूब गाइडलाइन के ख़िलाफ़ रहता वो पक्षी को ऐसे पकड़ के फिर तड़प रहा, तो फिर वो कॉपीराइट क्लेम या नोटी अपना कम्युनिटी गाइडलाइन भेजते अपने को, तो वो अच्छा नहीं रहता फिर, और चैनल के लिए मेरे ख़तरा है फिर वो, तो इसलिए फिर मैंने बोला वो ऐसा वीडियो नहीं डालेंगे अपन, इसलिए फिर। ओके दोस्तों, शौक करें आप कबूतरों का, अपने दाना खा रहे सब कबूतर, और कुछ कबूतर जो है अपने उधर खन में बैठी हुई एक मादी, इधर ये वाली, उसके उसके नीचे इसका एक बच्चा अंडा है, तो वो सह रही है बराबर। अभी उसका बच्चा निकलेगा मेरे ख्याल से, थोड़ा कमज़ोर निकलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो है ना वो बहुत ही लेट उसकी प्रोग्रेस जो है अंडे के अंदर की धीरे धीरे हो रही। और देखेंगे अपन, दुआ करें आप कि वो बच्चा जो है निकल जाए अंडे से बाहर बढ़िया, और बढ़िया पल के जो है बाहर आए। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी मैं रखता हूँ, फिर मैं जब पानी रखूँगा कबूतर को अपने, तब कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो आप भी आपके कबूतरों को ऐसे ही दाना वाना खिलाए बढ़िया, और कबूतरों को फिर ऐसा तराश ना दे, चिड़ी मारे ना करे किसी और के कबूतर के लिए, अपने कबूतरों को तराश ना दे, बोले तो सताए ना। ओके, तराश बोले तो ये मराठी में आता है, तराश ना दे, ये तराश जो है वो मराठी का शब्द है, सताए ना हिंदी का शब्द है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा समझ लेना आपने, क्योंकि हमारी हिंदी और मराठी जो है मिक्स आती थोड़ी। ओके दोस्तों, तो आप शौक कर पा रहे होंगे मेरे कबूतरों का, जो क्वालिटी आपको दिख रही होंगी अच्छी दिख रही होंगी, आप मैं समझता हूँ आपको दूर से कबूतर कैसे है क्या है सागर भाई के। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन ऑल पे सेट करें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, इतना करें, और जब मैं पानी रखूँगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। ओके, तो देखिए दोस्तों मैंने जो है पानी अभी जो है रख दिया है अपने, और अपने जो कबूतर अभी पानी पी के जो है वो नीला कबूतर चला गया बच्चे को दाना देने के लिए, और बच्चे को दाना भी दे रहा है बढ़िया। और फुलवर मादी को मैंने जो जाग चीनी मादी जो ये खन वाली है, ये वाली खन वाली इधर के किधर के इधर की खन वाली, तो इसको मैंने बंद कर दिया है। इस पर तीन कबूतर ये बास्केट के अंदर मैंने दवाई दे के बंद कर दी है, और वो बंद ही रहेंगे आज दिन भर, बंद रखने वाला हूँ मैं उनको। और अपने कबूतर जो है अभी बच्चे को दाना देते हुए आप देख शौक कर पा रहे होंगे, ये देखो मादी इधर दाना दे रही है, वो नीला नर वहाँ पे दाना दिला रहा है, दे रहा है बच्चे को उसके। और दूसरा कबूतर उसके खन में गया था और मारने के लिए उसने छाप मारी, नीचे की जो मादी है वो भी खिला रही है बच्चों को दाने, तो ऐसे अपने कबूतर जो है दाना खिला रहे है बराबर। हाँ हाँ बराबर, सगड़े लोग आए कि नहीं एवड मेरा तो लाउन दीजिए बाबू ऐसा कर मैं सुनो। देखिए दोस्तों ये यहाँ पे जो है मादी दाना दे रही है, और एक मादी जो है आप देख पा रहे होंगे मादी पानी पी के चली गई है खन बच्चे को दाना देने को। ओके दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे मादी भी जो है बराबर प्रॉपर जो है दाना दे रही है बच्चे को। और सोके की दवा जो है मैंने बच्चों कबूतरों को दे के 10-10 ml चांगली गाढ़ी गाढ़ी अच्छी सी गाढ़ी अच्छी बढ़िया वो इन तीनों कबूतरों को दे दिया, और बाकी को जो है मैं पानी मिला के दिया, बाकी दवाई ऐड करी थोड़ी सी पानी मिलाया उसमें, और वो पानी जो है इनको रख दिया, तो ये सब ने पी है पानी दवाई का।
तो ऐसे हो रहा दोस्तों, अभी आप चेक कर सकते हो मादी का जो दाना दे रही है अपनी, और नीचे की जो मादी है वो भी बच्चे जो है, आप जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख पा रहे होंगे कि मादी जो है बच्चे को दाना दे रही है यहाँ पे। तो बच्चे जो छोड़े छोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, इनके एकदम बॉडी नहीं पकड़ रहे बराबर, जो बॉडी होनी चाहिए बच्चे की वो बॉडी तो नहीं है उसकी। और इधर देख पा रहे होंगे ये जो नर है, वो नर को टेप लगाना पड़ता है, और वो जो है ये देख पा रहे होंगे आप चूक करें, तो मादी है दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और नीचे वाली मादी ने जो है अभी दाना वाना दिया, और वो अभी नीचे उतरेगी मेरे ख्याल से, पानी पिएंगी वापस। तो आह 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 आह, देखिए दोस्तों उतर चुकी है नीचे, यहाँ पे आ चुके दानों पे, ये दानों पे सफ़ेद मादी इधर के साइड की, फर्ची के साइड की मादी, बच्चे के बाजू वाली वो मादी है दोस्तों। और आप चौक कर पा रहे होंगे कबूतर का, ये यहाँ पे जो है उसका बाप जो है खंड में चला गया है बच्चों का। और लाल बच्चा जो है वो भी अच्छे पड़ रहा, बढ़ गया, वो जो लाल बच्चा है सामने बैठा हुआ सफ़ेद चोच का, वो माँ पे चला गया दोस्तों। अब वो क्या मालूम नर निकलेगा क्या निकलेगा, तो देखेंगे उसको चौक करेंगे अपन। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चा जो है माँ से दाना मांगता हुआ उसके, और माँ जो है इधर आ चुकी है इसकी, माँ है के बाप है, दिखाओ मेरे को दिखा दो। तो ये कबूतर है दोस्तों, जाली की वजह से दिखते नहीं कबूतर बराबर, छोटी जाली है ना अपनी इसलिए। तो ऐसा शौक आपको पसंद आया होगा कबूतर अपने घर के खिलाते हुए दाना खिलाते हुए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो इधर देखिए दोस्तों जो नर है वो भी खिला रहा है यहाँ पे दाने, ओके दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी होंगी आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे, और आप वीडियो देख पाएंगे। ओके तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।